क्वेश्चन को हमें ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically। तो ये जो प्रॉब्लम दे रखा है उस प्रॉब्लम को हमें सोल्यूशन नहीं फाइंड करना है, बस एल्जेब्रिक का मतलब होता है इक्वेशन बनाना है और ग्राफिकली का मतलब होता है उस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ग्राफ में दिखाना, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है ना वैसे हमें दिखाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस टाइप के एज जैसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। जब आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, कम से कम 2 बार क्वेश्चन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तभी आप सॉल्यूशन अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलती है, अपनी पुत्री से बोलती है कि 7 years अगो, 7 years पहले। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट द एक्चुअल एज ऑफ आफ्ताब एक्स ईयर्स, ठीक है, एंड एक्चुअल एज ऑफ डॉटर उनको मान लेते हैं वाई ईयर्स, ठीक है। ये हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या यार बोल रहे हैं, 7 years अगो। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका यही है, दोनों की एज निकाल दो 7 years अगो, 7 years अगो आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी। अभी अगर 60 है तो 7 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 53। तो वैसे यहां पर भी ये करना है, अभी एक्स है, ठीक है, अभी एक्स है तो 7 साल पहले क्या रहा होगा, एक्स माइनस कर दो, एक्स माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर 7 years अगो डॉटर एज, एज ऑफ डॉटर ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई माइनस 7। सो क्वेश्चन में ये बोला था, क्वेश्चन में ये बोला था कि 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू एज यू वेयर, मतलब अभी जितनी तुम्हारी उम्र है 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 times था, ठीक है। सपोज करो, देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, अगर आपके पास एक दोस्त के पास 1 chocolate है और दूसरे दोस्त के पास 5 chocolate है, अगर आपको इक्वलिटी का साइन लगाना है, ठीक है, तो आपको जिसके कम है उसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, तभी तो होगा आपका 5 = 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी ऐसे ही करते हैं। तो देखो छोटा कौन है, डॉटर छोटी है, तो डॉटर को इधर रखो वाई माइनस 7, और यहाँ पर पापा को रखो एक्स माइनस 7। इक्वलिटी लगाने के लिए कम वाले में मल्टीप्लाई करना होता, कम कौन है, डॉटर है, वाई माइनस 7 कितना, 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 times है ना पापा, तो छोटे वाले में मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो यहाँ तो एक्स माइनस 7 है, 7 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 7y, और 7 × 7 = 49। तो प्लस का 7y इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 7y, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 49, और ये माइनस के 7 इधर क्या हो जाएगा, प्लस के 7। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 42। इक्वेशन नंबर 1 ये पहला आ गया, ठीक है। ऐसे ही और एक नहीं करेगा, दूसरा कंडीशन ये बोला है, अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन बोल रहे हैं आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, कब, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद। तो सेकंड कंडीशन में आते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, तो हमें क्या लिखना है, द एज ऑफ आफ्ताब आफ्टर
थ्री ईयर्स, 3 साल बाद आफ्टर आपकी एज क्या होगी, अभी एक्स है तो आफ्टर बोलेगा तो प्लस कर देना है, बिफोर बोलेगा तो माइनस करना है, ठीक है। फिर द एज ऑफ डॉटर आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, वाई प्लस थ्री। तो बोलने अब अभी जितनी हमारी उम्र है, अगर 3 साल बाद देखें तो मैं तुम्हारे एज का 3 टाइम्स होऊंगा, 3 गुना होगा, पापा बोलते हैं उनसे अपनी डॉटर से, तो फिर से वही हो जाएगा। सो वी हैव क्या हो जाएगा, छोटे वाले को इधर रखो और बड़े वाले को इधर रखो, बड़े वाले पापा हैं, कितने बड़े हैं, 3 गुने, यानी कि छोटे वाले 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से भी क्या कर देंगे, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, और 3 से क्या हो जाएगा 9, यानी कि ये प्लस का 3y इधर का क्या हो जाएगा, माइनस का 3y, और ये 9 है प्लस का 3 इधर का क्या हो जाएगा, माइनस का 3, यानी कि एक्स माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 क्या जाएगा 6, यह आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2, यानी कि आपका जो आंसर आएगा, देखो पहला इक्वेशन आया था एक्स माइनस 7y बराबर माइनस के 42, चलो ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड जो दूसरा आया है हमारे पास वो है एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 2, ठीक ये चीज़ हो गई। अब ये एक आंसर आ गया है, एल्जेब्रिक वे में आंसर आ गया है, अब इसको ज्योमेट्रिक में ड्रॉ करना है, जो हमारे पास ग्राफ पेपर है ना, इसको हमें ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने के लिए किसी भी, ये लाइन की इक्वेशन है ना, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, इन 2 पॉइंट को मीट करेंगे तभी क्या बनता है, लाइन बनता है ना, तो ये तो आप जानते ही हैं। अब हमें क्या करना है, हर एक इक्वेशन से कम 2 पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट निकालना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो अब हम सीख लेंगे। तो आपको क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट लिखेंगे इक्वेशन लिख दो एक्स माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस के 42। अब आप ऐसा लिख देंगे, आप लेट करना है, कुछ भी लेट कर सकते हो, बट ऐसा लेट करना ताकि वो सॉल्यूशन पूरा पूरा आ जाए परफेक्ट वे में। हमने लेट करना है एक्स इक्वल टू 0, देखिए एक्स इक्वल टू 0 लेट करेंगे तो एक्स की जगह पर 0 रखो, 0 माइनस 7y माइनस के 42, तो माइनस के 7y इक्वल्स टू माइनस के 42, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7 6 42 होते हैं, तो y क्या हो जाएगा 42/7, 7 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट हमेशा पहले x आता है फिर y आता है, यानी कि जो हमारा p पॉइंट होगा वो पहले x हमने 0 लेट किया था, y कितना आ गया 6, एक पॉइंट आया। अभी हमें इसी क्वेश्चन दूसरा पॉइंट निकालना है। अब देखिए आप y की वैल्यू 6 नहीं लेट कर सकते क्योंकि हमें 6 ऑलरेडी मिल चुका है, और आप x की वैल्यू भी 0 लेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक बार लेट कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ और वैल्यू लेट करूँ ताकि हमें और एक पॉइंट मिल सके। तो अब की बार हम क्या लेट करते हैं, ऐसा कुछ लेट करूँ ताकि सॉल्यूशन हमें थोड़ा आसान मिले। देखो अगर मैं वाई की वैल्यू 0 लेट करूँगा तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी माइनस की 42, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या वो पॉइंट आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर पाओगे आसानी के साथ, ये भी ध्यान में रखना है। चलो मैं दिखा देता हूँ, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। लेट y इक्वल टू मैं आपके पास 0 रख देता हूँ, तो देखो इक्वेशन से क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे x ही है, 7 y के प्लेस पे रख दिया 0 इक्वल टू क्या, माइनस के 42, तो किसी को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आता है तो माइनस के 42, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 42, तो पॉइंट क्या हो जाएगा q पॉइंट माइनस के 42, 0, ठीक है। ये हमारे पहले इक्वेशन के 2 पॉइंट मिले, अभी हमें दूसरे इक्वेशन के भी 2 पॉइंट और निकालने हैं। अगेन फ्रॉम टू, ठीक है, इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 60, ये हमारी इक्वेशन 2 है, फिर से लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 0 रखो यहाँ पर, एक्स के प्लस 0 रख दिया, यहाँ पर 0 रखा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 माइनस 3y, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3y इक्वल टू 6, तो y क्या हो जाएगा 6/-3, यानी कि 3 2 y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2, तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, पहले x आता है जो कि 0 लेट किया था, y क्या हो गया माइनस 2, इसे r पॉइंट मान लो।
फिर से निकालना है, अगेन लेट। अब हम दोबारा क्या नहीं लेट कर सकते, वाई की वैल्यू माइनस टू लेट नहीं कर सकते। अब हम लेट करते हैं लेट वाई इक्वल्स टू सिक्स, सॉरी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, वाई के प्लस पर रख देंगे ज़ीरो, तो यहाँ से हो जाएगा थ्री इंटू ज़ीरो यानी कि ज़ीरो, तो एक्स के प्लस पे क्या हो जाएगा सिक्स, तो ये एच पॉइंट आ गया। क्या हो, एक्स की वैल्यू सिक्स मानी थी हमने और वाई की वैल्यू क्या ज़ीरो ही है, ठीक है। तो हर एक इक्वेशन से हमें दो पॉइंट मिनिमम चाहिए, तो वो कि हमने निकाल दिए हैं। अब हमारा पास आता है मेन काम, इनको ड्रॉ करना, ठीक है, इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना। कैसे करेंगे, ये हमारा ग्राफ पेपर है। तो देखो यहाँ पर आपको ग्राफ पेपर में बीचों बीच से ले लो लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक है। क्लास नाइन में आपने कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने सीखे होंगे, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये रख दिया हमने, ठीक, ये आपका क्या होता है एक्स एक्सिस प्लस का, ये आपका होता है एक्स एक्सिस माइनस का, ये वाई एक्सिस प्लस का और ये आपका वाई एक्सिस होता है माइनस का, ठीक है, डैश। अब यहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है, यहाँ पर पॉइंट होता है आपका ज़ीरो कॉमा ज़ीरो, ओरिजिन बोलते हैं जिसको, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये आपका पॉइंट चूँकि बड़े बड़े हैं तो आप क्या लेट करो, यहाँ पर आप 10-10 का लेट कर लो, क्योंकि सबसे मैक्सिमम पॉइंट हम बिंदु जो हमारा आ रखा है वो 42 आ रखा है, तो यहाँ से और माइनस की 42 ड्रॉ करना आपको बहुत दिक्कत बढ़ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें ग्राफ वाले, अगर कोई आता है तो उनको ड्रॉ करने के लिए होता है 10 खाने बने हुए हर एक ग्राफ के बीच में, इससे और इसके बीच में 10 छोटे छोटे खाने हैं, तो पॉइंट वाले भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए जरा मैं गिन लेता हूँ, अगर 5-5 को हम लेट करें तो यहाँ से तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, हाँ तो 5-5 का लेट करो, कि एक डब्बा किसको मान लो 5-5, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, ये 45 है, ऐसे इधर भी, ठीक है, ऐसे ऊपर भी ऐसे नीचे भी। तो सबसे पहला पॉइंट ड्रॉ करना हमें 0 और 6 का, तो x पे 0 चलना है यहीं पे, और 6 का मतलब देखो हर दो डब्बे जो छोटे छोटे दो डब्बे नहीं है हर एक के बीच छोटे छोटे डब्बे उसको एक मानना है, हाँ। तो 0 ये हमारा 5 है, x पे 0 चलना है और y पे कितना चलना है 6, तो ये हमें मिला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम भी दे दो, ये पॉइंट है हमारा p जो कि है 0.6, लिख दो, लिख दिया। अब हम आते हैं क्यू पॉइंट पे, एक्स पे चलना है माइनस की 42 और वाई पे चलना है 0। देखो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42 चलना है, यानी कि छोटे छोटे चार डब्बे चलने हैं, 1, 2, 3, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये पॉइंट आपका आ गया क्यू जो कि माइनस की 42.0। अब ये जो पॉइंट आए हैं इनको करना है मीट, ऐसे लोगे आप और इसको मिलाती हुई क्या खींच देनी है लाइन एकदम सीधी, और जो ये इक्वेशन थी उसके ऊपर लिख दो। किसकी इक्वेशन थी, ये फर्स्ट की थी जो कि थी हमारे पास एक्स माइनस सेवन वाई स्क्वायर टू माइनस की 42, ये हम लिख दिए। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट्स पर, ठीक है, सेकेंड्स के लिए हमने पॉइंट्स निकाले थे अभी, ये देखिए एक आया था 0.-2 और एक आया था 6.0। 0 वाई पे जाना है माइनस टू यानी कि नीचे, तो चूंकि ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं वो एक के बराबर है ना, क्योंकि ये 5 है, इनके बीच 10 डब्बे होते हैं, तो दो छोटे छोटे दो डब्बे में हम एक खाना बनाएंगे, हमें जाना है 0.-2 यानी कि यहाँ पर 0 और वाई पे माइनस टू, एक तो ये दो, ये पॉइंट हमारा आ गया आर जो कि है 0.-2, ये वाला पॉइंट, ठीक। और एच हमारा क्या है 6.0, एक्स पे 6, देखिए यहाँ आएगा 6, यहाँ 6 है, यहाँ आपका 6 आएगा क्योंकि 5 के बाद ये 6 है, और वाई पे जाना ही नहीं है 0, यानी कि ये पॉइंट आपका क्या हो गया एच
जो कि 6.0। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या खींचनी है लाइन, इन दो पॉइंट्स को, इसको और इसको, और इसको भी लिख दो नीचे। जो इक्वेशन थी क्या थी हमारी, x-3y = 6, ये हमने ऐसे लिख दिया। तो ये हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन बन गया।